The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ लोफर अंसारी। महीनों से चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र से अंबाला पहुंच चुकी है। इस दौरान सर्दी के सितम से तो आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। कांग्रेस की इस पदयात्रा में सबसे ज्यादा सवाल अगर उठ रहे हैं तो सिर्फ राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर उठ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से अंबाला के रास्ते में राहुल गांधी ने कई सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक सभा में टी शर्ट पहनने का राज भी खोल दिया है। सुनिए इस राज की कहानी खुद राहुल गांधी की जुबानी। शर्ट के पीछे पड़ गए, इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात। नहीं, उनको समझ नहीं आ रही बात। देखो, ये कह रहे हैं टी शर्ट क्यों पहना है, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है, इसको सर्दी नहीं लगती। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्यों पहना हूं। यात्रा शुरू हुई केरला में, भयंकर गर्मी, ऐसा लग रहा था भैया टी शर्ट उतार दो, मतलब उसमें पसीने आ रहे थे, ह्यूमिडिटी बहुत थी केरला में, काफी मतलब गर्मी लगी। फिर मैं मध्य प्रदेश में गया, थोड़ी ठंड होने लगी, थोड़ी सी मतलब ज्यादा नहीं। सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं, सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड, जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी, और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी, जब जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहुल गांधी स्वेटर पहन लेगा। राहुल गांधी का यह मैसेज उन 3 लड़कियों के लिए है जो राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में मिलती है, जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसी दिन राहुल गांधी ने भी फैसला किया, अगर इन लड़कियों को ठंड लगती है तो राहुल गांधी को भी ठंड लगती है। राहुल गांधी ने उसी दिन सोच लिया, जब तक सर्दी बर्दाश्त की जाएगी तब तक बर्दाश्त करेंगे, जब सर्दी बर्दाश्त के बाहर होगी, सर्दी में कठिनाइयां होंगी, तब वह स्वेटर पहनेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं पहनेंगे। ये था राहुल गांधी का देश प्रेम। क्या अब ये कहना मुनासिब होगा कि राहुल गांधी की पदयात्रा सिर्फ लोगों की समस्याओं को समझने के लिए है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।